हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हमारे पास है TVS की अपाचे, और आज मैं इसका रिव्यू इसलिए करना हूँ क्योंकि इसको 7 साल हो गए। 7 साल के बाद इसकी कैसी कंडीशन है वो सारा का सारा आपको बताने वाला हूँ। तो इसको मैंने ही चलाया, किसी और ने नहीं चलाया। अगर मैं आपको इसकी मीटर की बात करूँ कि ये कितनी चल चुकी है, पहले मैं आपको वो दिखा देता हूँ। ये मैंने ट्रिप किया हुआ है, 44,283 किलोमीटर चली हुई है। इसमें से कम ये 40,000 मैंने ही चलाई है और किसी ने नहीं चलाई। ट्रिप ए पे डाल देता हूँ क्योंकि मैं इसका एवरेज की भी वीडियो बनाने वाला हूँ, वो भी जल्दी आपके साथ शेयर करूँगा। तो अगर मैं पहले लुक्स की बात करूँ तो कुछ इस तरीके के लुक्स आ जाते हैं बाइक के। आपने बहुत TVS अपाची देखी होंगी तो आपके लिए तो ये कॉमन बात होगी, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। फ्रंट से भी दिखा देता हूँ एक बार कैसी दिखती है। फ्रंट से कुछ इस तरीके से दिखती है। DRL इसकी ऑन है, देखो डे टाइम रनिंग लाइट है। देखो ये चाबी पे ही ऑन ऑफ होती है। शायद धूप है अभी तो शायद आपको ढंग से दिख नहीं रहा होगा, बट ये जल रही है। और अगर मैं पीछे का लुक दिखाऊं आपको तो कुछ इस तरीके से इसका पीछे का लुक दिखता है, ये देखो। तो अब बात करते हैं इसकी, 7 साल में इसमें क्या दिक्कत आई है, क्या दिक्कत नहीं आई है, चलने में कैसी है, एवरेज लगभग कितना आ जाता है, वो सारा का सारा मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। तो वीडियो में बने रहना। तो चलिए शुरू करते हैं कि इसमें क्या दिक्कत आई है, क्या दिक्कत नहीं आई है। तो अभी तक कोई भी दिक्कत नहीं आई 7 साल में मुझे। थोड़ा बहुत इसके इधर मैं अगर आपको दिखाऊँ इधर से, तो इधर से इसके ऑयल वगैरह गिर रहा था। तो अंदर मैंने इसके थोड़ा बहुत काम कराया था, 250-250 रुपये का काम था वो। तो अब ऑयल गिरना बंद हो गया था, जब मैं बाइक टेडी कर रहा था तब गिर रहा था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, आपको इजीली मिल जाएगी और सारा का सारा प्रोसेस उसमें मैंने बता रखा। और अगर दूसरी दिक्कत की बात करूँ तो कोई भी दिक्कत नहीं आई है। टायर की अगर मैं बात करूँ तो इतने में मैंने सिर्फ ये एक बार ही चेंज कराए हैं, और अब इसके पीछे वाले के टायर की भी फिर से नंबर आ चुका है चेंज होने का। देखो कि थोड़ी बहुत ग्रिप अभी है, चलाऊंगा इसको अभी करीबन 500-600 किलोमीटर, उसके बाद मैं इसको चेंज कर दूंगा। और बाकी तो कोई भी दिक्कत नहीं आई। और एक बार जो इसका ये पैडल होता ना, ये यहाँ से खुल गया था और ये लटक गया था चलती बाइक में। तो फिर मैंने फिर, और सबसे बड़ी बात क्या है ना, इसका जो टूल किट होती है इसके अंदर होती है, वो पता नहीं कहाँ चली गई। मैंने एक बार वॉश करने के लिए दी थी, उसके बाद वो मिली ही नहीं। तो आप कभी भी अगर अपनी बाइक को वॉश के लिए दे रहे हैं तो ये ज़रूर ध्यान दिए कि अपनी जो भी चीज़ें हैं वो निकाल लें पहले ही, क्योंकि मैंने दी थी भाई वो चोरी हो गई। अब मैं किसको क्या बोलूं, अब मैंने देखा भी वो एक से 1.5 महीने के बाद जब मुझे ज़रूरत पड़ी तो फिर वो मिला ही नहीं। अब नहीं मिला तो क्या कह सकते हैं, किसको किसको कहें कि किसने लिया, मुझे ध्यान भी नहीं आ रहा। तो फिर मैं वो नया ख़रीदा, फिर मैंने वो घर पर रखा हुआ अभी, बल्कि साथ में भी नहीं है। और बाकी तो कोई भी दिक्कत नहीं आई है इसके अंदर, किसी भी तरीके कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इसके कंट्रोल्स की बात करूँ तो अभी भी एकदम ओके चलते हैं। ये लाइट के कंट्रोल्स हो गए, ये हॉर्न हो गया और ये हो गया, ये सेल्फ वगैरह सब चीज़ें ओके चल रहा है। यहाँ तक कि जो इसकी लाइट है ना, ये यहाँ की लाइट है, वो भी मैंने चेंज नहीं कराई, स्टॉक ही रखी हुई है, मैंने बिल्कुल भी छेड़ी नहीं। छेड़ने का कोई मतलब ही नहीं बनता जब कोई प्रॉब्लम ही नहीं आ रही। इंडिकेटर की बात करूँ तो एकदम ये हल्के हल्के लूज़ हो गए, अब टाइम के साथ हल्के हल्के लूज़ होंगे जब थोड़ी बहुत बाइक रोड पर चलती है। और ये देखो ये तो जल भी रहा है, आपको दिख रहा होगा। तो कुछ इस तरीके से रहता है तो कोई भी दिक्कत नहीं आई। अगर पीछे की मैं बात करूँ तो पीछे से देखो, जब नई नई बाइक थी तो किसी ने यहाँ पे ठोक दिया था पीछे से, एक गाड़ी वाले ने, तो ये टूट गया था। फिर मैंने चेंज नहीं कराया क्योंकि वो कह रहे थे कि आपको पूरा का पूरा चेंज कराना पड़ेगा, ये पूरा पोर्शन ये पूरा चेंज होता है, तो काफ़ी कॉस्टली बैठ रहा था ये वाला, तो मैंने चेंज नहीं कराया। अगर मैं इसकी लाइट की बात करूँ तो एकदम टाइट है, जैसे आपने मेरी वीडियो में देखा होगा पहले वाली में, स्प्लेंडर में वो हिलता रहता है। वो कहते हैं कि बाइक चलती है तो टूटती नहीं है, फिर अगर थोड़ा हिलेगी तो पता नहीं क्या सीन है, टूटना होता तो इसमें भी टूट जाती। आप हार्ड बॉडी की लाइट दे दो ना, वो टूटेगी क्यों, पर चलो जैसा भी है ठीक है। और अगर मैं साइलेंसर की बात करूं, मैं आपको इसकी वॉइस सुनाता हूं। गाड़ी अभी न्यूट्रल है हमारी, यहां से प्लग ऑन किया, तो काफ़ी लाउड हो चुकी है। जब मैंने शुरू शुरू में जब ली थी तो थोड़ी कम थी, लेकिन समय के साथ मतलब चलते चलते इसके जो साइलेंसर है उसकी साउंड एकदम ही चेंज हो गई है। और मैंने कोई भी चेंज नहीं कराया, कुछ काम भी नहीं करवाया साइलेंसर पे, फिर भी थोड़ा लग रहा है कि हाँ बढ़िया है, मतलब खुल गई है आवाज़। और बाकी बात करूँ इंजन की, इंजन एकदम बढ़िया है, पावर की आपको कमी नहीं होगी। आप इस बाइक को अपने पर्पज़ के हिसाब से चला सकते हैं, अगर आपको नॉर्मल चलानी तो आप नॉर्मल भी चलाओगे तो एवरेज काफ़ी अच्छा देगी ये। लगभग मेरे को ये 50 का एवरेज दे देती थी हाईवे पे, हाईवे 50-55 का एवरेज दे देती थी। और अगर मैं सिटी की बात करूं तो सिटी में तो क्या आप अपने मन से चलाओगे, आगे गाड़ियां रहेंगे तो मन से तो कोई मतलब ही नहीं होता चलाने का, तो आप मन से चलाओगे तो करीब कम से कम आपको 35 का एवरेज दे देती है सिटी के अंदर। तो ये इसका एवरेज है जो मैंने अभी तक
इसमें जितना भी मैंने तेल डाला है उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको, 35 तक का ये सिटी में दे देती है, और अगर हाईवे की बात करूँ तो 50 से 55 का। अब थोड़ा बहुत चलाने पे बात भी होती है। अब जैसे मैं आपको कह रहा था कि आपको अगर ये पावर पावर चाहिए इसके अंदर, तो थोड़े कम गियर में आप इसको भगाओ तो ये तो बहुत जल्दी भाग जाती है। 100 तो इसके लिए मामूली बात है, 100 पे भी एकदम स्टेबल रहती है, मैंने चला के दिखा होगा। अगर आपको यकीन नहीं है तो मैं आपको स्पीड दिखाता हूँ, दिखाऊँ। देखो हाई स्पीड कितनी है मेरी मेरी बाइक की, देख रहे हैं आप कितना लिखा हुआ है, 160। और ये 160 जाती नहीं है, कंपनी भी इतना पता नहीं क्लेम करती नहीं करती, मुझे पता नहीं है, लेकिन ये 160 इसलिए गई क्योंकि मैं इसको ढलान पे चला रहा था और फिर स्पीड भी दी थी, तो ये 160 चली गई थी। ये काफ़ी टाइम पहले कर दिया था मैंने, वो रीसेट नहीं हुआ था, वो रीसेट होता नहीं है। अगर वो उससे ऊपर जाएगा तो ऑटोमेटिकली एड ऑन हो जाता है उसमें। अगर जैसे मैं 160 से ऊपर जाऊँ, मुझे लगता नहीं अब दोबारा जाऊँगा, वो पहले की बात थी जब नई नई बाइक थी, जब 2 साल हुए थे तब चलाई थी मैंने। और बाकी तो फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है। ये डिस्क पैड मैंने इसका एक बार चेंज करवाया था, और अब जब नेक्स्ट बारी आएगी तो इसकी आएगी, ये पूरा का पूरा चेंज कराना पड़ेगा। अभी मैंने तो डिस्क पैड कराया था, ब्रेक उतने अच्छे लग नहीं रहे फ्रंट के क्योंकि इसकी वजह से, पर ये थोड़ा बहुत चल जाएगा अभी, 200-300 किलोमीटर तो आराम से चल जाएगा, उसके बाद ही मैं इसको चेंज कराने वाला हूँ। और अगर मैं पीछे की बात करूँ, पीछे ड्रम ब्रेक जब से ले रखी है बाइक तब से एक बार भी खुलवाया नहीं है मैंने, आपको बिलीव नहीं आएगा। ये जो टायर देख रहे हैं आप, मैंने बहुत सी सर्विस में देखा, पहली सर्विस में ही पूरा टायर खोल के अलग रख देते हैं, चेन सेट गिरा रहता है क्या। फिर मैंने पूछा क्या कर रहे हो, एक 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 की हमने बाइक ली थी पल्सर, वो बता रहा था मुझे, तो मैं वहाँ गया, फिर मैंने देखा उसने पूरी की पूरी बाइक खोली हुई थी, तो ठीक बात नहीं है। और मेरे को 7 साल हो गए, मैंने अभी तक पीछे के ड्रम की असेंबली वगैरह होती है जो पूरी की पूरी, वो आपको पता होगा, वो चेंज ही नहीं करवाई मैंने, ना पीछे के ब्रेक चेंज कराए ना कुछ कराए, बस चल रहा है। जब कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही तो फिर मैं खुलवाऊं क्यों। तो TVS की ये खास बात है कि इसमें कोई प्रॉब्लम आती नहीं है, बस थोड़ा मेंटेन करके आपको चलना पड़ता है। और अगर मैं नई वाली की बात करूं तो दिखने में सेम है, थोड़ा बहुत अब यहाँ पे लाइट वाइट अलग से LED वगैरह दे दिए, उतना कोई मैटर नहीं करता। और जो इसका ये मीटर है ना, TVS की जो ये अपाची है ना, इसका ये मीटर ही वाइट के साथ ये लुक करता है, क्योंकि ये भी वाइट है ये भी वाइट है, तो काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन कंपनी ने फिर भी चेंज कर दिया पता नहीं क्यों। देखो आपको जिस तरीके से आपको दिख रहा होगा, देख रहे हैं आप कितना बढ़िया कर गया, मैं एक बार दोबारा दिखाता हूँ आपको। लेकिन अब उन्होंने वो जो दूसरी वाली TVS अपाची उसके जैसे दे दिया है यहाँ पे, वो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा मेरे को। मेरा एक फ्रेंड है, मैंने उससे बोला था भाई ये वाली मत लेना, इससे पहले वाली जनरेशन ले लेना, वो काफ़ी अच्छा है। सॉकर की मैं बात करूँ तो सॉकर एकदम ओके हैं अभी तक, ऑयल वगैरह जो कुछ भी होता है इसका मैंने कुछ चेंज नहीं करा रखा, इस 7 सालों के अंदर मैंने इनमें छेड़ा तक नहीं है, ये चल रहे हैं, बस चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं दे रहे तो भाई हम क्यों छेड़ें। और बाकी मैं ये बात करूं BS जो नई वाली आ रखी है उसमें अब ये आता नहीं है, BS6 में ये आता नहीं है, आपको मिलेगा नहीं ऑप्शन, ये देख रहे हैं आप, अभी मैंने जैसे ऑफ कर दिया, ये कर दिया ऑन, ये होता है रिजर्व। रिजर्व तब लगाते हैं जब आपकी गाड़ी में करीबन 1.5 से 2 लीटर का तेल रहता है, तो गाड़ी ऑटोमेटिकली रिजर्व पर चली जाती है और बाकी टाइम पे ऑन पे रहती है, और अगर आपको तेल ऑफ़ करना है तो ऑफ़ कर सकते हैं। और जो BS6 में वही फैसिलिटी आपको नहीं मिलेगी, BS6 में आपको अपनी गाड़ी के अंदर 1 लीटर के आसपास तेल रखना पड़ेगा, उसके अंदर एक फ़िल्टर होता है, वो हमेशा गीला होना चाहिए तभी आपकी गाड़ी चलेगी, अदरवाइज़ आपकी गाड़ी नहीं चलेगी। तो ये थोड़ा गलत भी है, बट चलो अब BS6 है, थोड़ा प्रदूषण वगैरह के चक्कर में करा हुआ है तो उसमें भी हम कुछ कह नहीं सकते। और बाकी तो बस यही है बाइक के अंदर, और कुछ नहीं है, मैंने सारी चीज़ आपको बता दी। 7 साल के अंदर मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं आई, चलने में मस्त है अभी भी। अब नेक्स्ट ईयर मैं इसको सेल करूँगा तो लगभग मुझे फिर भी ये 50 से 55 हज़ार रुपये ईजिली मिल जाएगी। और कहाँ मिलेंगे, मैं दिल्ली की बात, हरियाणा की बात नहीं कर रहा, ना दिल्ली की बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ की, जहाँ का ये नंबर है UK09A6568। मैंने वहाँ बात करी, मैंने 60 बोला तो उन्होंने कहा चलो देखते हैं, तो जब 60 बोला तो अप्रॉक्स 50 to 55 तक वो आ ही जाएगा। और मैंने इसके डॉक्यूमेंट ट्रांसफ़र की बात करी तो वो भी 1000-1500 रुपये तक का खर्चा या 2000 तक का खर्चा आएगा, और इमीडिएट कर दूंगा, मुझे बात बात के लफड़ानी चाहिए, जिसको भी मैं बेचूंगा फटाफट अपनी ID लेके आ भाई, और अपनी अपने नाम पे इस गाड़ी को कर ले, मेरी सरदर्दी ख़त्म कर, अगर जब मैं इसको बेचूंगा, पर मैं इसको बेचूंगा नेक्स्ट ईयर तक, मेरा एक फ्रेंड है उसको दे के आ जाऊंगा, वो अपने आप डील करेगा, फिर एक दिन जाके डॉक्यूमेंट चेंज कर देंगे। तो यही है इस गाड़ी का पूरा, मैंने कुछ भी नहीं कराया, मैं आपको बिल्कुल सही बता रहा हूँ कि क्या क्या किया है। तो अगर आप ये गाड़ी लेते हैं और तमीज़ से चलाते हैं तो सालों साल तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, बात है आपके ऊपर चलाने में। तो यही है पूरा का पूरा इसमें। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।